लव ट्राइंगल टाइप है, सो इसके पीछे हम दोनों पागल हो जाते हैं. सो इट्स अ लव ट्राइंगल. हम दोनों बैचलर्स हैं और ये वो लड़की है जो हमें लव ट्राइंगल में फंसाती है. सितारों में, मतलब हमारी सपनों की रानी टाइप बोल सकते हैं आप. हम लोग लाइक इट्स इमेजिनेशन सॉन्ग. बहुत इमेजिन कर सकते हो आप लोग, अपने आप को रख कर इमेजिन कर सकते हो. या तो इसके पहले भी आपने कई सारे अपने सॉन्ग किए हैं, आपने भी वेब सीरीज करी है, तो इस गाने में क्या ऐसा डिफरेंस है, स्टोरी लाइन क्या ऐसा डिफरेंस है, वुड यू लाइक टू शेयर अस विद अस? देयर इज नथिंग डिफरेंट, इट्स जस्ट लाइक अ सॉन्ग. जो जैसे हर गाना होता है वैसे ही ये गाना है. हाँ, बट वो बैचलर्स ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जो दो भाई लाइक अच्छे दोस्त होते हैं वो साथ में रहते हैं ना, तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर एक लड़की से प्यार होता है तो. मतलब काफ़ी बार ऐसा स्कूल में कॉलेज में हुआ ही रहेगा सबके साथ, मतलब दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में हुआ होगा. हाँ, एक ही लड़की को दो जन अच्छे लगते हैं, तो इट्स लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. सो ये डिफरेंट एक्सोटिक एंड निकोल प्रोडक्शन से, यू नो, निकोल प्रोडक्शन से कितना ऐसा एक्साइटमेंट है हमेशा काम करने का, कैसा फील होता है, यू नो, ऑन सेट? एक्चुअली निकोल प्रोडक्शंस की जो टीम आती है एक्चुअली बहुत कोऑपरेटिव होती है. हम लोग को बहुत मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करके. हम लोग लाइक इन्जॉय करते हैं लाइक फैमिली मेम्बर्स ही. उनके जितने भी टीम मेम्बर्स आते हैं लाइक जो भी प्रोडक्शन के एक एक मेम्बर होएगा, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, सारे बहुत अच्छे होते हैं. हम लोग बहुत मज़ा करते हैं उनका काम करने. हमें लगता ही नहीं कि हम कोई काम करने आए हैं या कोई स्ट्रेस ले रहे हैं. करेक्ट. एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग है निकोल प्रोडक्शन के साथ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा क्योंकि मैं जैसे ही सेट पर घुसा ऐसे घर वाला माहौल ही हो गया था. सो इवन प्रोडक्शन वाले, स्पॉट बॉय वाले, एवरीवन, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन, घर वाली फीलिंग आ गई. मोहित चौधरी जी की बात करें तो कैसा, उनके साथ काम करके कैसा लग रहा है? एक्चुअली माइन एंड युक्ता, दिस इज सेकंड थर्ड टाइम विद मोहित चौधरी. ठीक है, तो हम लोग उनके साथ मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन बन चुका है. लाइक हम लोग दो बार उनके साथ पहले काम कर चुके हैं इन पंजाब ऑल्सो, और आज ये फर्स्ट शो है उनका यहाँ मुंबई में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शो. एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं हम सबको, लाइक यू नो, शो अप करने के लिए. करेक्ट करेक्ट. सो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मोहित सर के साथ. सो या बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट लॉन्च इन मुंबई. सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि हरियाणा और पंजाबी इंडस्ट्री में तो हम ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. वी आर ऑल्सो एक्साइटेड. हाउ इज वर्किंग विद दीस थ्री? दीपक पिलर, जेम, दे आर अ टीम. तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद देम. अभी सारा कुछ प्लान चल रहा है, तो जैसे ही कुछ भी शॉर्ट होता है हम आपके सामने जरूर रिवील करेंगे उन चीज़ों को. मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है जो है वूट के लिए, ग्रे वॉर्स. सो वो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है. आज बेसिकली थोड़ा जो लॉन्च के बारे में थोड़ा बताइए कि आज लॉन्च पार्टी रखी आपने, गेट टुगेदर क्या है बेसिकली? आज एक हमारे सॉन्ग का सितारों में घर, उसका एक ट्रेलर लॉन्च है, और आफ्टर ओवर्स हम लोग यहाँ पे एक अवार्ड शो करने वाले हैं, एग्जॉटिक ग्लैम अवार्ड्स. तो उसकी एक लॉन्चिंग के लिए हमने ये इवेंट रखा है. हाउ एक्साइटेड यू आर? वेरी एक्साइटेड. आप देख सकते हैं हम सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. मेरी टीम भी बहुत एक्साइटेड है. वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट. एक्चुअली डेट्स शिफ्ट होती जा रही थी, लेकिन फाइनली आज मिल गया है चांस, तो अच्छा है. हम लोग और आप सब आ गए हो तो ग्रैंड, और ज़्यादा ग्रैंड लॉन्च हो गया ये. यस, इट रियली फील्स लाइक अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू नो. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी गुड, एंड इट्स रियली ऑनर टू बी हियर, एंड आई विश देम अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर दिस एल्बम. थैंक यू. सो हाई एवरीवन, माय नेम इज युक्ता गरीवाल. सो I was born in Gujarat and then I was brought up in Oman, and then I had been in Dubai. Like since childhood I was outside only, so I shifted to Mumbai. It's been a year, I guess. So yeah, then like it was a dream for me, you know, to get into Bollywood and get a really great opportunity. And you know, it looks easy, but jitna easy lagta hai utna easy hai nahi. It takes a lot of dedication, and I would like to thank my mom and जो प्रोडक्शन के थ्रू हम लोग आए हैं, इंटर किया है, इट्स माई मदर्स प्रोडक्शन, निकोल प्रोडक्शंस. एंड सो इट्स बीन 5 to 6 months दैट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, एंड
So thanks to my mother for it. Would you like to share about your life journey with us? Yeah, so this is Het Thakkar and I am from Ahmedabad, Gujarat. So, bachpan se hi mujhe, meri mom ko specially, mujhe acting line mein dalne ke liye kaafi shauk tha aur mujhe bhi aise dheere dheere interest develop hua. So, maine wahan pe modeling start kiya, sab start kiya. Dheere dheere samajh aaya ki Ahmedabad mein rehke to kuch nahi hoga, Mumbai shift hona padega. So, when I was in my 7th standard, I shifted here in Mumbai and thanks to my mom, dad, फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ उनके सपोर्ट की वजह से मतलब उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था एंड आई हैव डन वेब सीरीज़ विद इम्तियाज़ अली सर दैट इज़ डॉक्टर अरोराउन सोने लिव रिसेंटली माई मूवी हैड केम आउट दैट इज़ गुमराह विद आदित्य रॉय कपूर सर एंड माई अपकमिंग वेब सीरीज़ इज़ ग्रे वॉर्स दैट इज़ ऑन वूड सिलेक्ट एंड ये एल्बम सॉन्ग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट एल्बम सॉन्ग एंड ये फर्स्ट लॉन्च है मेरा एल्बम सॉन्ग में thanks to Jyoti ma'am, thanks to Mohit sir and each and everyone who were like who selected me over here. So yeah, thank you. This was my journey. Yeah. So my name is Priyavrat Singh. So I'm from Punjab. मैं बचपन से like मेरे को acting का शौक नहीं था to be honest. मैं sportsman था like I'm a district level cricket player. तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया लेकिन मेरे को movies का बहुत शौक था तो मैं मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता था लाइक एक्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा घुसना चाहता था तो मेरे को 9th से एक्टिंग का शौक आया तो मैंने सोचा लाइक आफ्टर 12th आई विल शिफ्ट टू मुंबई लेकिन घर वाले चाहते नहीं थे कि मैं एक्टिंग में जाऊँ बट मैं थोड़ा लाइक ज़्यादा ठीक हूँ इस चीज़ में कि नहीं मेरे को जो करना है वही करूँगा तो मैं एक्टिंग यहाँ पर मुंबई शिफ्ट हुआ यहाँ पर कॉलेज लिया अपना आगे फर्दर लाइफ के लिए कॉलेज लिया फिर मैं देख रहा था कि मैं कैसे इस लाइन में घुसूँ कॉलेज में मैंने ड्रामा क्लब में कोशिश की घुसने की लेकिन नहीं इतना अच्छा चीज़ नहीं था वो वहाँ पर तो फिर मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ ज्योति मैम से लाइक शी इज़ लाइक माय सेकंड मदर ठीक है तो मैं अपनी मम्मा और इनमें कोई फ़र्क नहीं जानता हूँ तो मैं इन्हीं के साथ लाइक इनसे बहुत बॉन्डिंग हुआ मेरा इनके बहुत क्लोज हूँ लाइक मैं ये अपनी मेरी माँ जैसी है बिल्कुल तो मैं इनसे जो सारी बातें शेयर करता हूँ ईच एंड एवरीथिंग तो इन्होंने मेरे को इसमें एक स्टेप रखने की एक चांस दिया जिसके कारण आज मैं आप लोग के सामने यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ जो एक बहुत बड़ी बात है थैंक यू टू ज्योति मैम एक बार आप आ जाओ हम लोग कहते हैं ना कि लाइक मॉम मम्मा तो हम लोग पंजाबी में बेबे कहते हैं तो मैं इनको बेबे करके बुलाता हूँ सो इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे इस लाइन में घुसने के लिए आज इनके घर के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ थैंक यू बेबे एक पेरीपोना कर लेना तेरा सो थैंक यू सो मच या इट्स अ गुड इवेंट एंड आई एम एंजॉयिंग एंड आई कैन सी द यूथ You are really working hard and their parents are giving good support and this is the beginning of everybody I think so sabka shuruaat aise hi hoti hai and they are doing great efforts and I wish them a great success in their journey and that's it let's enjoy the event thank you फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा है नई नई कंपनियाँ उभर रही हैं और नए नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा आने का लेकिन ये मेरी गुजारिश है नई नई कंपनियों से जो म्यूजिक्स बना रही हैं या पिक्चर बना रही है या वेब सीरीज बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि कंटेंट बहुत अच्छा हो और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जैसे पुराने गाने थे कितने हिट थे तो उस गाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और ज़रूरी नहीं है कि गाने के अंदर बोल दिखाना तभी हिट करना लिरिक्स अच्छे रखें म्यूज़िक अच्छा रखे पैटर्न अच्छा रखे बस मेरी बेस्ट विशेज है हमारी कंपनी को कि ये खूब आगे तरक्की करे और रेटेड गाने दे और नए नए टैलेंट्स को मौका दे ज्योति गिरीवाल इस म्यूज़िक वीडियो के प्रोड्यूसर है और नए टैलेंट को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और युक्ति ने लीड प्ले किया है काफ़ी अच्छा रोल किया है और आज उनका म्यूज़िक वीडियो का लॉन्च है यहाँ पर और प्रोडक्शन हाउस का भी लॉन्च है मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है ज्योति गिरीवाल जी और मेरे साथ आई एम हैप्पी दैट जीत रहा है दैट इज़ विथ मी टाइम की बात होती है ना एक टाइम था कि हम भी नए थे तो हमें भी सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आया था इंडस्ट्री में तो अभी हम ऐसे न्यू कमर के इवेंट्स पे आते हैं कि उनको भी सपोर्ट मिले कि मोटिवेशन मिले यही है कि इंडस्ट्री में मिलजुल के काम करते हैं जैसे आप लोग आ रहे हैं उनका हौसला और बढ़ेगा तो बस ऐसे आप भी उनको प्यार दीजिए और उनको
मीडिया में और रोल कराइए जिससे ये गाना भी हिट हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. खुशी हो रही है ग्रैंड लॉन्च पे आपको मोहित जी का और निकोल प्रोडक्शन द्वारा जो रखा गया है फर्स्ट पार्टी. क्या कहना सर, हाउ यू फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लव द नेम ऑफ योर शो एक्सोटिक ग्लैम अवार्ड्स बिकॉज एक्सोटिक भी मैं दिखता ही हूँ और ग्लैमरस भी मैं दिखता ही हूँ और जिस शो का नाम हो एक्सोटिक ग्लैम तो वहाँ मेरा होना बहुत ज़रूरी है. एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस हियर ऑन दिस ग्रेट इवेंट. थैंक यू सो मच. और अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्लैमर का तड़का लगने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. ऑब्वियसली बहुत खुशी है और खुशी थी इसीलिए ईशान को हमने इन्वाइट किया. वेरी ऑनर्ड, थैंक्स फॉर कमिंग हियर. और अभी ईशान आ गया तो ऑब्वियसली पार्टी वैसी धमाल होने वाली है, इसलिए आज मैं रेड चिली बन के आऊँ. थोड़ा सा स्पाइस जरूरी है, वो अंदर अगर मसाला ना हो तो मैं ऐसे यहाँ से झाड़ दूंगा. ईशान जी आपके लुक्स को हम कहें कि आपको जो फैशन हम कहें, चाहे सर से लेकर चाहे पैर, क्या है सब फुल्ली बीइंग इन ग्लैमर, क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है, एक बार मेरे मम्मा मुझे एक स्टोरी बता रहे थे कि बेटा जब तू पैदा हुआ तो नर्स ने बोला कि एक डिज़ाइनर चीज़ पैदा हुई है. तो मुझे लग रहा है वो पैदाइशी से ही वो आई एम वेरी फैशनेबल एंड आई लव टू गेट ड्रेस्ड अप ऑलवेज. मोहित जी आगे किस तरह से ईशान जी के साथ बिल्कुल, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग आर प्रोडक्शन हाउस इन मुंबई तो होपफुली हम लोग कुछ साथ में आगे बिल्कुल काम करेंगे. बिल्कुल, पर वो तड़केदार होना चाहिए थोड़ा सा. बिल्कुल बिल्कुल, अगर ईशान होगा तो वो तड़का अपने आप ही लग जाएगा ना उसमें. यस ईशान जी आपका जाते अगर आपका तड़का लगे तो थोड़ा वो स्केल थोड़ा ऊपर हो जाता है, थोड़ा वो सेंशियस वाला. हां हां, थोड़ा चुम्मा चाहती हूं. ईशान जी एक सवाल है कि आप जी कितने भी रील देखते हैं सो हॉट मॉडल्स तो भी लोगों के साथ में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन का आपने लगा रहे हो ऐसा बंगाली ऑस्ट्रेलियन मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से. आपका जितना भी रील्स आप बनाते हो हॉट मॉडल्स के लोगों के साथ में बनाते हो और कुछ अश्लीलता फैलाते हो ऐसा लोगों को कहना है, बोल्ड कंटेंट बनाते हो, ही सेड दैट्स नॉट कॉल्ड अश्लीलता, दैट्स कॉल्ड सेंसुअसनेस, दैट्स कॉल्ड ग्लैम, दैट्स कॉल्ड यू नो हॉटनेस थोड़ा होना जरूरी है. अभी हर कोई अगर DD1 चला के बैठा रहेगा टीवी पे तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ईशान चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए. अभी सारे पोगो चैनल और कार्टून नेटवर्क तो नहीं हो सकता इंस्टाग्राम पे, तो वो ग्लैमर का तड़का डालने के लिए मेरा अकाउंट है, जाके फॉलो करो. मसाला एंटरटेनमेंट, मसाला जरूरी है लाइफ में, मसाला जरूरी है. या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सबको तीखा होगा, सब लोग होगे, मुझसे धुआं निकलने वाला है मुझे लग रहा है. बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी अंदर जाके मालूम पड़ेगा क्या क्या हो रहा है अंदर और लेट्स सी क्या चलने वाला है. भाई से आज मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ तो भाई के बारे में बहुत सुना, बहुत बातें हुई मोहसिन भाई से और बाकी लोगों से, तो आज पर्सनली मिलके बैठ के बात करेंगे, चीज़ें डिसाइड करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. या थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. बेसिकली मोहित जी का जो प्रोडक्शन हाउस भी है जी, अबाउट द ग्लैमरस मॉडल्स एंड ऑल दैट, या तो आपका क्या कनेक्टिविटी होगा इन फ्यूचर, अगर प्रोजेक्ट कुछ आता है तो क्या है, विल यू जॉइन मोहित? बट ऑब्वियस अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी कैसा है कि एवरीबडी नीड्स वर्क राइट, ऑफ कोर्स एंड जिधर काम रहता है वहाँ पे करना ही चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ये सब चीज़ों में. तो जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स मिलता है, जैसे कि मेरे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था मुंबई इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स, इफ़ यू हैव प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट योर इन इंडस्ट्री, पर इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स, तो जिससे मिलो जैसे मिलो. अब वो इतने टैलेंटेड है, अगर फ्यूचर में हमारे लिए कुछ रहेगा तो फिर अपन करेंगे. बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा, नहीं तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा. That's why red chili and green chili is here. अब तड़का इतना आ गया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. वो तो मैं करना पड़ेगा. हम लोग जिधर रहते हैं उधर मसाला लगा देते हैं हम चीजों को. थैंक यू गाइस. आमिर जी अगर बिग बॉस जो भी हम कह रहे हैं भी आ रहा है उसके बारे में, तो हमने सुना है कि आपकी भी फ्रेंड उसमें जाने वाली है. हाँ, मेरे बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड है जो कि अभी बिग बॉस OTT में जाने वाले हैं, मेरे को मालूम पड़ा. सो अभी वो जब जाएंगे तो मैं ऐसा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग देखना, बट शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड शी बोल दिया तो मतलब लड़की है. एंड मे गॉड ब्लेस हर विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड मे शी रॉक दिस शो. कुछ बोल नहीं सकते भाई, अभी देखो ना वो फिर TV पे जो आएगा देखेंगे आप लोग, तो फिर वो चीज़ें कुछ रहने देते. नो कमेंट्स, आई डोंट नो.
आई डोंट नो, मतलब कुछ ज्यादा हायर चांसेस है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, बस अभी फिलहाल आई डोंट नो। अगर रियलिटी शो आता है हाँ देखेंगे ना। हाँ अगर मेरे को आएगा तो मैं जाऊँगा, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे पुराने फ्रेंड्स अभी के फ्रेंड्स, सो दे हैव ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, बिग बॉस OTT, फिर लॉकअप, तो अगर मेरे को भी आएगा तो मैं भी जाऊँगा। क्योंकि मैंने जैसा लास्ट ईयर तक मैं बोलता था कि आई एम नेवर प्रिपेयर्ड फॉर TV, मैं मेरे फ़ोन तक खुश हूँ, फ़ोन से ऑडियंस तक पहुँचता हूँ, बस था मेरे को। बट अब ऐसा आ गया है कि मेरे सारे दोस्तों ने, लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया, एंड दे वर लाइक कि आमिर यू नीड टू कम ऑन TV, सो आई वॉज लाइक ओके, तो ये साल अगर आएगा तो इंशाल्लाह आमिर हाँ बोलेगा। Hope for the best. Thank you so much. Okay. First of all, I would just like to say that I'm really happy for Mohit because I know him since I was earlier based in Chandigarh. So he's doing a really great job, and I'm really, really happy because after I got shifted to Bombay and being over here, I am so happy because he invited me for his grand launch, and it feels really good if someone from Punjab is, you know, coming up to Bombay. They are giving opportunities to model, they are providing a new platform. I think his new music video is also getting launched today. So best wishes to the team, and I'm really happy for the people from my side because I love people who are enthusiastic, who are motivated, and they want to grow in life. So many congratulations. Thank you. Thanks for coming, Grammar. Yeah. I was seen in last Cat, the Netflix series. Randeepura was playing the main lead in it, and I was playing Madam Olak's elder daughter role. So coming upon to my next project, I'm working with Sudhir Mishra sir for Tanav 2 probably, which is going on floor in August. So this is my next project, and you must have seen me in the Benakab song earlier by Lakhvinder Vadali. So just that's it. I'm just growing and learning. Thank you. By the way, she's the most popular face in Punjab. And okay. Now she's in Mumbai. So we really proud of you, Premat. Thank you. जितने भी इवेंट्स हुए चंडीगढ़ में, I was in Chandigarh that time. और सारे इवेंट्स हमने वहाँ पे अटेंड किए. मैंने सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया. और बहुत काफी एंजॉय किया, मजा आया. तो उसका प्लान था कि मुंबई में कुछ करना है. तो मुंबई ने स्वागत किया, मुंबई ने बुलाया, और हम लोग साथ में हैं मोहित भाई, मेरे भाई हैं. अरे नहीं, ऑलवेज मैं भाइयों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, और उनकी बहनों के साथ भी, तो मेरा सपोर्ट होता है सबके साथ, मेरा सपोर्ट होता है. दानिश जी, मोहित जी का भी प्रोडक्शन हाउस है, यू नो, इज अ प्रोड्यूसर, तो क्या आप दोनों का फ्यूचर में कुछ कोलैबोरेशन देखने मिलेगा, आपका गाना हो सर? बिल्कुल फोर्स होगा, दानिश तो मतलब भाई हैं, तो फैमिली प्रोजेक्ट हो जाएगा वो एक तरीके से. बिल्कुल करेंगे हम. देखो, जहाँ से अच्छी चीज़ें, अच्छी भाई भाई, हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं. मेन मैटर करता है एक कनेक्शन, एक फैमिली, एक भाईचारा, एक दोस्ती, वो मैटर करती है. जहाँ से अच्छी वाइब आती है, अच्छा प्रोडक्टिविटी बनती है, हम लोग काम करते हैं साथ में. जैसे गोल्ड बाजी चंडीगढ़ से आए हैं, अभी वो यही रह रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, बॉलीवुड से जुड़ गए हैं, हिंदी चीज़ें कर रहे हैं, हिंदी मूवीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी साथ में हिंदी गाने कर रहे हैं काफ़ी. तो पंजाबी से निकल के हिंदी में आना, वो भी एक टास्क होता है. बाकी उन्होंने किया और वो कर रहे हैं. पंजाब के काफी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, थैंक यू सो मच, सो आई नो हिम सिंस वेरी लॉन्ग, राइट. और फियोना है यहाँ पे, इंटरनेशनल मॉडल, एक्टर, एंड तो बाकी एग्जॉटिक मॉडल्स में अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं ही. और मोहित आज तो एक छोटा सा लॉन्च किया है उसने, बाकी आगे हम लोग, मैं सपोर्ट में हूँ, आप लोग सब सपोर्ट में, आगे एक बहुत बड़ा अवार्ड शो भी करने वाले हैं. आफ्टर अगस्त हम लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो एग्जॉटिक ग्लैम अवार्ड्स विल डू इन मुंबई. तो जैसे कुछ होगा विल अनाउंस द डेट्स आल्सो. यस, दानिश जी, आपका 15 को एक नया सॉन्ग आने वाला है, क्या है आपके फैंस को कुछ एक सरप्राइज है क्या है? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, एक टाइम पे मैं सोचता था कि मेरे इतने सारे गाने आए कि मैं बिज़ी हो जाऊँ और कुछ कर ही ना पाऊँ, और वो टाइम अभी चल रहा है. मेरे एक विद इन अ मंथ मेरे 6-7 सॉन्ग्स आ चुके हैं, और ये कुछ 8वां नंबर है गाने का, जो नहीं, ये वाला गाना मैं पहले कर चुका था, गोल्ड बाजी के साथ आ चुका है एक गाना, पहले एल्बम आई है हमारी, एक गाना आया अच्छा सा लगता है वो बाजी के साथ, मैं सुनना ज़रूर.
ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सब जगह मिलेगा आपको। एंड जो गाना 15th को आ रहा है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा प्रोडक्ट है, उसमें उस गाने का टाइटल है कामयाबी। मेरे अपोजिट में नायरा बनर्जी है और म्यूज़िक भी उसका काफ़ी अट्रैक्टिव है, फ्री स्टाइल है, मैंने रैपिंग थोड़ा सा उसमें ट्राई किया है। मैं हर तरह का अच्छा गाना है, मैंने सुना है, बहुत बढ़िया गाना है। सक्सेस स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी, एक इंसान की स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है कि लाइक आप किसी को कितना भी गिराना चाहो, अगर उसके अंदर वो विल पावर है, उसके अंदर वो एक मोटिवेशन एम है, हाँ वो एक मोटिवेट करने वाला सॉन्ग है। बाकी बाजी का इवेंट है उनके लिए आए, यस तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। यू वांट टू सिंग समथिंग इन हिंदी? शी इज लर्निंग हिंदी, थोड़ा थोड़ा तोड़ा तोड़ा नहीं तोड़ा तोड़ा चलो। सबसे पहले मैं मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके इवेंट के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इस लायक समझा। उनका मैंने जब से मैं उनका काम देख रहा हूँ, जब से मैं उनका हमेशा जो लॉन्चिंग होती है वो एक ग्रेट बड़े लेवल पर ही होती है और बहुत अच्छे लेवल पर होती है, इसलिए हमारा सपोर्ट उनको हमेशा साथ में रहता है। और आज के इस इवेंट के लिए स्पेशली मैं उनको यहाँ पर स्पेशल विशेज़ देने आया हूँ। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही वो तरक्की करते रहे। और इनका जो ये लॉन्च है, ये सक्सेस के साथ साथ उनका जो फर्म है वो एक ऊँचाइयों पर जाए। सो वेरी गुड विशेज़ टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। से बहुत अच्छे रिलेशन है शार्दुल के थ्रू एंड शाकिब एंड मोहित भाई से मैं पहले मिल चुका हूँ, तो चौधरी चौधरी हैं दोनों। तो मेरी तो ऑल दी बेस्ट है विशेज, बेस्ट विशेज है हमेशा कि एक्जोटिक मॉडल्स एंड जिस तरीके से इवेंट किया है बहुत अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी सोच है या जिस सोच के साथ इन्होंने ये इवेंट शुरू किया है एक्जोटिक मॉडल्स का, ये तरक्की करे और इनको इनकी जो सोच है उस पर बिल्कुल सटीक निशाना बजे, ताकि ये अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सके। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, शाकिब भाई को एंड मोहित भाई को बहुत दिल से शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ आगे इनका करियर उज्ज्वल भविष्य हो, बहुत अच्छा उज्ज्वल भविष्य जी, मेरी हिंदी को स्पष्ट हो गई है, इंडस्ट्री में रहेगी। थैंक यू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जैसे मोहित ने मुझे बताया था कि ये सॉन्ग आने वाला है इनका, सो आई वॉज प्रिटी मच एक्साइटेड कि एंड ही टोल्ड मी सो मैनी थिंग्स अबाउट द सॉन्ग, सो वी आर प्रिटी मच एक्साइटेड एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम ओवर हियर। सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू मोहित एंड गुड लक टू यू बडी। आई वुड जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू थिंग दैट्स कमिंग आउट। थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। मोहित को मैं 8 साल से जानता हूँ इनफैक्ट, और पंजाब में तो ये राज कर ही रहा है, अब टाइम है इसका बॉम्बे का, तो मैं तो उसके साथ ही हूँ, मतलब मैं हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहता हूँ। शाकिब भाई को भी बहुत थैंक्स है बिकॉज इज वेरी सपोर्टिव, बहुत सारा इन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है लॉन्च के लिए, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड वी ऑल आर देयर ऑलवेज विद हिम, गुड लक। अवार्ड का तो हम एक ग्रैंड शो करेंगे आफ्टर अगस्त इन मुंबई, बट अभी हमारे जितने गेस्ट हैं उन्हें काइंड ऑफ टोकन ऑफ लव, हम उन्हें फॉर अ रिस्पेक्ट दे आर कमिंग हियर ना, तो उसके लिए हम दिस काइंड ऑफ टोकन ऑफ लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूँगा भाई को क्योंकि जो कंपनी लॉन्च हुई है मॉडल्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं अभी आया था, मेरे को पता नहीं, तो जितना मुझे पता है उतना मैं बोल रहा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, सो सॉरी। हाँ जरूर, भाई कभी ऑफर देंगे तो जरूर साथ में भी काम करेंगे, याद करना कभी भी। और रोज तो सोशल मीडिया का चॉकलेट बॉय है, सबको मालूम ही है, मतलब रोज जिधर जाता है वहाँ पे लड़कियाँ मधुमक्खी की तरह आजू बाजू के रहती है, तो फिर सीधा संस्कारी लड़का, बाल ब्रह्मचारी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आमिर भाई यहाँ पर है, रोश यहाँ पर है, और दिस ये ग्रैंड लॉन्च और ज़्यादा ग्रैंड हो गया इनके आने से, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग भी यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग भी कुछ खाइए पीजिए एंड चिल करिए, थैंक यू, थैंक यू। अपनी
नई कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको शुभकामनाएं देने, उसको वेल विशेस देने में यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ दुबई से इवेंट में जिनकी मास्टरी है कलीम जी मेरे साथ में हैं और हम सब इनको मोटिवेट करने यहाँ पर आए हैं। माई बेस्ट विशेज आर विथ हिम। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट ऑन दिस गुड ओकेजन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा फील हो रहा है सर आप यहाँ पर आए। थैंक्स टू यू ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। आई फील सो ऑनर्ड दैट द गाइज आर हेयर। थैंक यू। गुड। क्या कहना है? मैं शेख कलीम फ्रॉम दुबई। जी मोहित मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे शोज़ किए हैं मोहित साहब। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ आज इनको देखकर। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। बहुत टाइम बात कर रहे हैं हम लोग। और मेरे बड़े भाई हैं और इनके साथ में हम सब बहुत सारे शोज़ भी किए हैं और करेंगे आगे भी। बहुत सारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शोज़।